नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे NTPC CBT2 एग्ज़ाम जो लेवल 2, 3 और 5 का एग्ज़ाम होना था, उनकी जो सिटी इंटीमेशन है यानी आपका एग्ज़ाम सेंटर किस शहर में आने वाला है, वो लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। ये लिंक मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर की है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लगभग प्रत्येक RRB की ऑफिशियल वेबसाइट भी अपडेट हो गई, जैसे कि RRB पटना की वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहाँ से आप जान सकते हो आपका एग्ज़ाम डेट कब है और कौन सी सिटी में आपका सेंटर आने वाला है, कितने दिन किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और अब की बार 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहे हैं, कौन कौन से समय में ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो सारा इस वीडियो में जानने वाले हैं और आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं वो भी देखेंगे। वीडियो कंटिन्यू करा उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज अंतिम मौका है, जो भी कैंडिडेट हैं टेक्स्ट बुक मॉक सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो 31 मई आप ऑफर का लाभ उठा सकते हो, जिसमें आपको 12 की बजाय 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी मिल रही है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं स्पेशल NTPC CBT2 के लिए। यहाँ पर जो लेवल अप हैं, जो नए प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 102 नए पेपर ऐड किए गए हैं। बाकी रेलवे के अलावा जितने भी एग्जाम SSC बैंकिंग डिफेंस UPSC स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, टेक्स्ट बुक पर सारे मॉक टेस्ट आपको एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलते हैं। यहां पर आप TTJ के कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, साथ ही साथ 50% वैलिडिटी का आज आखिरी मौका है, इसका जरूर लाभ उठाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन मिलता है ये वाले, और ये भी देखने वाले आपका एग्जाम सेंटर आपके गृह राज्य या फिर जिले से कितना दूर आया है, जो 500 किलोमीटर का दावा किया गया है क्या वो सही है या फिर नहीं है। तो इस पर आप देखने वाले हो जो अभी फ़िलहाल हैं, जिनका एग्ज़ाम दोस्तों, जो आपको पहले नोटिस आया था कि जिनका 12, 13 और 14 जून को एग्ज़ाम है, उनको पहले जो इन एग्ज़ाम जो सिटी हैं उनका पता चल रहा है। जैसे कि देख सकते हो, प्रजेंटली द सिटी एंड डेट इंटीमेशन स्लिप आर लाइव फॉर द फॉलोइंग एट RRB, जो भुवनेश्वर, बिलासपुर, यदि इन RRB से आपने अप्लाई किया है, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, रांची, सिकंदराबाद, तो वो अभी चेक कर सकते हो उनका एग्ज़ाम सिटी या फिर एग्ज़ाम डेट है वो कब है। और बाकी जितने अन्य RRB हैं जिनका एग्ज़ाम है वो 14 जून के बाद होंगे, वो डेट इंटीमेशन स्लिप है वो 6 जून से लाइव होगी, 6 जून से आप चेक कर सकते हो। जैसा कि शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कौन से RRB का एग्ज़ाम है वो किस फेज़ में होने वाला है, जैसे कि जो ये वाला फेज है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची, सिकंदराबाद, 12, 13 और 14 जून को होगा। और बाकी अन्य जितने भी, जो अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा, तिरुवनंतपुरम, इनका जो एग्ज़ाम 15 और 16, 17 जून को होने वाला है, इनकी जो सिटी इंटीमेशन है वो आपको पता चलेगी 6 जून को, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 6 जून को पता चलने वाली है। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताना, जो भी RRB इसके अतिरिक्त हैं, क्या उनका सिटी इंटीमेशन आप यहाँ पर लॉगिन कर रहे हो तो पता चल रहा है, बाकी किस प्रकार आपको लॉगिन करना है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे तो आपको इस प्रकार का सेक्शन सिटी इंटीमेशन स्लिप का मिल जाएगा। और बाकी जो अदर RRB जिनका नहीं आया, उनके सामने केवल 2 ही विकल्प रहेंगे, स्कोर कार्ड और कैंडिडेट रेस्पॉन्स का, बाकी आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट करके इस प्रकार वर्जन में आप चेक कर सकते हो तो सिटी इंटीमेशन स्लिप में किस प्रकार दिखाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने कौन सी RRB जोन से अप्लाई किया है, फिर उनका पंजीकरण संख्या है, उसके बाद उनके जो बेसिक बायो हैं, फिर परीक्षा का विवरण बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम है, जैसे कि इनका 13 जून और 14 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरठ में इनका एग्ज़ाम है, मेरठ परीक्षा सिटी है, उत्तर प्रदेश में इनका सेंटर रहा है, और एक पारी में इनका एग्ज़ाम प्रथम सेट में लेवल 2 का, फिर लेवल 3 का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। और अन्य जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नीचे बताई गई हैं कि आपका एग्ज़ाम कितनी शिफ्टों में होगा अब की बार, तो 3 शिफ्टों में, जैसे कि लेवल 6 और 4 का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में था, अब की बार 3 शिफ्ट में आपको उपस्थित होने का समय 7:30 बजे है और गेट क्लोज हो जाएगा 8:30 बजे सुबह, परीक्षा आरंभ होने का समय है 9:00 बजे और परीक्षा समाप्त यानी 9 से 10:30, जो 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, 90 मिनट का 120 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का विवरण है, जिसमें आपके 12:45 से 2:15 है सेकेंड शिफ्ट है, जो गेट क्लोज होगा 12:15, और थर्ड शिफ्ट है वो है 4:30 से 6:00 बजे लास्ट तक, यहाँ पर ये 3 पारियों में आपकी बार आपके लेवल 3, 5 और 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। नीचे यहाँ पर बताया गया है कि ये तो केवल और केवल इसको कॉल लेटर मत समझिएगा, ये आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप है, या फिर आप जो अपना ट्रैवल अरेंजमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। बाकी 4 दिन पहले आपके एग्ज़ाम जो भी डेट है उससे 4 दिन पहले वो कॉल लेटर लेकर ही आपको वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कैंडिडेट इन देयर ओवन इंटरेस्ट आर डायरेक्टेड टू फॉलो कोविड के बारे में बताया गया है, और कुछ ज़्यादा मेजर यहाँ पर
चेंजेस नहीं है। बाकी जो सेपरेट ई कॉलेट यानी एक से अधिक सेट में उनका एग्ज़ाम है अलग लेवल दोनों लेवल में, तो उनका अलग से कॉलेटर जनरेट होगा, ई चिप का अलग होगा जनरेटेड, जो सेपरेट कॉलेटर ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी मल्टीपल उनके लेवल में एग्जाम हो रहे हैं, और नीचे यहाँ पर द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू कैरी देयर आधार कार्ड टू द एग्जाम सेंटर, आपको आधार कार्ड ले जाना है। देयर विल बी आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है, इसलिए आधार कार्ड आपको जरूरी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर यही डिटेल आपको हिंदी में अनुदेश दिए गए हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताना आपके गृह जिले से कितना दूर आया है एग्ज़ाम सेंटर। और मैंने यहाँ पर एक बताया भी है कि आपका गृह जिला, तो बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट किए हैं, 400 के आसपास यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, इनको चेक करते हैं उन्होंने कहाँ से अप्लाई किया, कितना एग्ज़ाम सेंटर दूर आया है। ठीक है, तो जैसे कि ये कमेंट कर रहे हैं मैक्सिमम मुंबई RR अप्लाई किया है, इंदौर आया इनका सेंटर, और फिर सिकंदराबाद, बेंगलुरु। एक बार इंटरनेट को ऑफ करके देखते हैं। जैसे ये कैंडिडेट बताया कि 350 किलोमीटर इनका दूर आया है, 590 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, तो मैक्सिमम कैंडिडेट का सेंटर है वो 500 किलोमीटर के दायरे में है। 611 नासिक महाराष्ट्र, भोपाल टू नासिक, भोपाल से थे और नासिक इनका सेंटर आया है, इनका जैसे 150 किलोमीटर दूर है। तो आप भी कमेंट सेक्शन बताना कितना दूर आया है। ये बता रहे हैं 795 किलोमीटर इनका दूर आया है, 330 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर। एक कैंडिडेट ने बताया कि 980 किलोमीटर दूर आया सेंटर, तो 500 से ज़्यादा भी ऐसा कुछ नहीं है कि 500 किलोमीटर के दायरे में, 932 किलोमीटर राजस्थान टू, 500 किलोमीटर, 714 किलोमीटर 2000 वाला, ये तो कुछ तुक्के भी लगा रहे हैं ऐसे ही। बीकानेर 783 किलोमीटर। तो इस प्रकार आप टेलीग्राम पर ये चेक कर सकते हो जो कमेंट सेक्शन है, ताकि आपको आइडिया लग जाए जिनको अभी एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिला तो कितना किलोमीटर दूर आ रहे हैं सेंटर। तो कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपका सेंटर कहाँ पर कितना दूर आया वो भी मेंशन कर देना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।